पायल जोन। यूट्यूब के घर की वो मच्छर जो घर से बाहर जाने को तैयारी नहीं है। ये मच्छर को ऑल आउट गुड नाइट मोर्टिन और जो भी चीजें होता है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये वो मच्छर है जिसके सामने तुम जाके कितनी भी तालियां मार लो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 2 साल पहले पायल जोन पर एक वीडियो बनाया था जब ये हर यूट्यूबर को एक्सपोज कर रही थी। चलते फिरते रास्ते में जो यूट्यूबर दिखा एक्सपोज्ड, तू भी एक्सपोज, तू कौन है? हाँ, तू भी थोड़ा सा एक्सपोज हो जा। सिंपल वर्ड्स में ये औरत यूट्यूब पे मुंह आँख कान नाक जितनी भी छेद है हर जगह से हग रही थी। और आज दो सालों के बाद पायल जोन क्या कर रही है यूट्यूब पे? ये आज भी हर छेद से हग रही है। पायल जोन का चैनल देखकर मेरे को लगता है कि ये लड़की बचपन में अपने सर के बल गिर गई थी। सॉरी, मेरा मतलब घुटने के बल गिर गई थी। तो कुछ दिन पहले मितपैर की शादी हुई और हम लोग सब मितपैर की शादी में गए थे और वहां पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया जिस व्लॉग को मैंने अपलोड किया मेरे व्लॉग्स वाले चैनल पे। अगर तुम बहुत ही पुराने वाले सब्सक्राइबर हो तो वो अपना एक्स्ट्रास वाला चैनल है, और अगर तुमने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। थोड़ा मदर फादर गुड मैनर्स होना चाहिए। और जब इतना प्रमोशन हो ही गया है तो ये ना जस्ट वीडियो के नीचे ऐसा एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको भी जाके दबा दो। तो ये वाला व्लॉग अपलोड करके मैं मस्त अपने काम में लग गया। आराम से बैठ के गेम खेल रहा हूँ, हग रहा हूँ, गोटे को गालियां दे रहा हूँ, और फिर आउट ऑफ नोवेयर मुझे इंस्टाग्राम पर किसी ने ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा। ये थंबनेल देखो, ये वाला थंबनेल कहीं तो देखा सा लग रहा है। नहीं तो जब मैंने ये वाला थंबनेल देखा मेरे को लगा यार इसने मेरा थंबनेल उठा लिया और वीडियो के अंदर क्या ही रहेगा, मतलब ऐसा पीछे व्हाइट बोर्ड रखेगी और सामने बैठे बैठे दोस्तों आज बात करने वाले मितपैट की शादी के बारे में। पर देन नहीं, जितना मेरे को सारे डीएम्स पढ़ के लग रहा है और मेरे व्लॉग के कमेंट्स में देखकर लग रहा है ये लेडी चोर औरत ने मेरा पूरा कंटेंट चोरी कर लिया। ऑलराइट, तो सौरभ का डांस चल रहा है, चालू होते ही हैं ढोल पे नाच रहे हैं इधर टेक्नो गेमर्स मस्त भैया, मजा आ गया सबको देख के। इसने पूरे वीडियो पे वॉइस ओवर किया है। ओ भाई, तो इसने क्या किया, इसने मेरा व्लॉग लिया, मेरे व्लॉग का जो इंट्रो है इसने उसको काट दिया और उसने व्लॉग चालू कर दिया जहाँ से मैं नहीं हूँ। और अपेरेंटली पायल जोन ने एक मस्त सा इंट्रो भी डाला वीडियो में। मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा दिन है बिकॉज़ आज मैं जा रही हूँ अपने एक बहुत अच्छे दोस्त कितना बड़ा दिन की शादी में। लेट्स गो गाइस, मितपैट और पायल जोन BFFs। आप देख सकते हैं मैं ज्यादा तैयार तो होती नहीं हूँ, थोड़े बहुत बाल वगैरह खोल लिए हैं, काफी सर्दी भी है। वेरी गुड, बाल वगैरह खोल लिए, जैकेट पहन के निकली, काफी सर्दी भी है। मुंबई में सर्दी का मतलब नाक बहना होता है और कुछ नहीं होता है मुंबई में सर्दी का मतलब। आइए देखते व्लॉग आगे देखते। आ जाके उतार दूंगी। क्या बोला तूने? आ जाके उतार दूंगी। वहाँ जाके क्या उतार देगी? वहाँ जाके तो हाँ मैं जैकेट पहन के निकलूंगी, वहाँ जाके उतार दूंगी। जैकेट मैंने सुना नहीं कॉन्टेक्स्ट में, लगा पता नहीं क्या, भरोसा नहीं मेरे को इसका, कुछ भी उतार देगी जाके कहीं भी। मैं निकल गई हूँ अपने घर से मितपैट के पास जाने के लिए। ये रास्ता मुंबई में किधर आता मेरे को नहीं पता भाई, ये कौन सा रास्ता है? सबसे पहली बात गाइस, दिस रास्ता इन मुंबई कैन नेवर बी एक्यूरेट, क्योंकि मुंबई में एक बहुत ही स्पेशल चीज होता है, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक जाम। और अभी यहाँ पे दिन ही हो रहा है लेकिन वहाँ पहुँचते रात हो जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा लंबा, क्योंकि रॉनी रात को पहुंचा था। रॉनी अगर मितपैट की शादी में दिन में पहुंचता तो पायल जोन भी दिन में पहुंच जाती, पर नहीं रॉनी रात में पहुंचा तो पायल जोन भी रात में पहुंचेगी। ओ यस, लोकेशन पे उर्मिला एंड मितलेश यहाँ लिखा हुआ है और ये सजावट मेरे को काफी ज्यादा काफी ज्यादा बैंड। और ओ एक सेकेंड, ये देखो पायल जोन के हाथ मेरे हाथों की तरह क्यों लगते हैं? पायल जोन के हाथ और मेरे हाथ इतने सिमिलर क्यों है? Why is it? ये यहाँ बैंड बाजा वगैरह बज रहा है, ये देखो भाई नाच रहे हैं, ये रे सौरभ जोशी। तो इनसे तो मैं कई बार मिल रखी हूँ लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं, ये देखो टेक्नो गेमर्स। सब काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। गेमर फ्लीट ने कैमरा घुमाया था यार, पायल तूने ये क्यों काट दिया अपने वीडियो से? गेमर फ्लीट ने ऐसा मस्त कैमरा घुमाया था, ऐसा कैमरा घुमा के गेमर फ्लीट ऐसा दिखा रहा था कि तू कैसे नाच रही है, वो हटा दिया यार इसने। अभी मेरे को सुहानी दिखी और देखो भाई मेरे को देखे क्या इशारे कर रही है, मेरे को लग रहा है सुहानी का प्लान है कि अब वो मेरा भी माइंड रीड करने वाली है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ये लड़की को डबिंग करना आता है, मतलब जितना स्मूथली इसने व्लॉग ढापा है, जितना स्मूथली इसने उसके ऊपर वॉइस ओवर किया है, मतलब एक बार ये व्लॉग देख के मैं क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये असली में मेरा व्लॉग है, क्या इसको मैंने बनाया है। और यहां पर सौरभ जोशी फोटोग्राफर बने हुए हैं, इनको देखना, पायल जोन की एक और बेस्ट फ्रेंड देख लो यार। अबे यार थैंक यू। ए ए ओए
ये किसका आवाज था? प्ले पॉइंट से। ये कौन सा आवाज था? ओ नहीं रुको, ये आवाज किसका था? अबे यार ओ माय गॉड, रॉनी का आवाज कहीं आसपास से आया वीडियो में। और ये रहे सारे बाकी सब लोग। अरे हम ये देखो सुहानी को, मैं तब से देख रही हूँ। ठीक से एडिट तो कर लेते यार, आवाज आ रहा है मेरा ऊपर से। ओ माय गॉड गाइस, मैं पायल जोन के व्लॉग में हूँ। ओ पायल जोन ने आज तक मेरा रोस्ट तो कभी नहीं किया, पर मैं पायल जोन के व्लॉग में हूँ। यस, अचीवमेंट अनलॉक्ड एवरीबॉडी, अचीवमेंट अनलॉक्ड। और गाइस अभी ये वीडियो देखते देखते मैंने रियलाइज किया कि इसने सिर्फ मेरा व्लॉग नहीं डापा है, इसने ईशान का भी व्लॉग डाप लिया। अरे मैंने सिखाया, मैं कैसे दूंगा? गाइस मैं जैसे ही मित्र की शादी में कुछ भी खा रही थी तो गेमर फ्लीट बार बार आकर मेरी वीडियो बनाने लग जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खाती हूँ। मैं बार बार उनका कैमरा बंद। क्यों गेमर फ्लीट, क्यों गेमर फ्लीट? तो पायल जोन के पीछे क्यों पड़ा है? लीव पायल जोन अलोन। अबे एक सेकंड, पायल जोन क्या कर रही है? ये मित्र के शादी में नहीं था, ये क्या है? पाव भाजी है क्या? पाव भाजी कहाँ था शादी में? मैं तो देखा ही नहीं। गेमर फ्लीट भैया एक नंबर। ईशान के ब्लॉग से सीधा मेरे ब्लॉग पे आ गए, अभी वापस मेरे ब्लॉग पे आ चुके हम लोग। नाचते हैं इनको देख लो। अरे अरे ये तो कल भी हुआ था ना। रॉनी को दिखाओ, आज फिर से हो गया। देखो रॉनी भी बहुत मस्त नाच रहे हैं। अब मेरे ब्लॉग पे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं पायल जोन को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो। और वैसे तो मैं ये सब करता नहीं हूँ, और मुझे तो सीरियसली कॉपीराइट स्ट्राइक देना भी नहीं आता। तो एक काम करते, मैं एक गोल सेट करने वाला हूँ इस वीडियो में 10,000 कमेंट का। अगर इस वीडियो में 10,000 कमेंट्स हो गए, हम इसके ढापे हुए वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर मारेंगे। और अब जब मैं पायल के चैनल को ऑलमोस्ट 2 साल बाद देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज रियलाइज किया कि पायल ने सिर्फ हमारे वीडियो चोरी नहीं किए, वीडियो ढापना इस लड़की का रेगुलर बिजनेस मॉडल है। जैसे कि ये मस्ती इन दुबई विद मिस आनंद। अब देखो मैं मिस आनंद को तो नहीं जानता हूँ, पर इतना श्योर है कि ये लड़की दुबई तो नहीं गई है। गाइस आपको पता होगा मैं माय मिस आनंद के साथ दुबई गई थी, उनकी फोटोग्राफर बन के, तो वहाँ काफी पिक्चर्स क्लिक करी। फोटोग्राफर बन के उसका रूम टूर देना चाहूंगी आपको। तो ये रही निशा आंटी, ये रही मैं। यहाँ पे एलईडी लाइट्स थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी है। और यहाँ का बाथ टब भी बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर माय मिस आनंद ने सर्फिंग ट्राई करी थी, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा था देखने में सच में। और भाई कुल मिला के बहुत मजे किए हमने। आई लव यू माय मिस आनंद। दुबई का पूरा मिनी व्लॉग बना दिया, पर पूरे व्लॉग में कहीं भी अपना शक्ल एक बार भी नहीं दिखाया। नाइस, मुझे प्यार हो गया। टीजर आउट नाउ, सौरभ जोशी व्लॉग्स एंड पायल जोन। पायल किधर है? मेरे को पायल को देखना है, सौरव ने देखना है मुझे। पायल कहाँ है? ये तो टट्टी है। वाह क्या एक्टिंग कर। ये क्या क्रिंज है भाई, ये क्या क्रिंज है। पूरा म्यूजिक वीडियो बना दिया अपना। माय न्यू यूट्यूब सेटअप टूर। ओ माय गॉड, इस रूम का तो पायल जोन का पूरा सेटअप टूर। ओ ए ए ये किधर आ गए हम लोग? इतना अच्छा भी रूम था यहाँ पे, इतना मस्त वाला जगह था, और फिर वापस हम लोग ये संडास के बाहर आ गए। अबे नया सेटअप बनाया, नया रूम लिया है, वहाँ पे शूटिंग करो। किसका ढापा है वीडियो इसने? सर आपको पता है ये प्रोसेसर जितना तगड़ा होगा उतने अच्छे से आपका काम होगा। एंड यूट्यूब के लिए प्रोसेसर अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो ये इंटेल का प्रोसेसर है, बड़ा मस्त। यूट्यूब के लिए प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है। अबे ये उज्जवल का सेटअप है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेक्नो गेमर्स। तलाश सौरव जोशी एंड पायल जोन न्यू सॉन्ग। और ये न्यू सॉन्ग क्या है? ये देखो सौरव जोशी। सौरव जोशी के पॉप स्टार कब से बन गया? और क्या ये पायल जोन है? ये लोग एक स्कूल में साथ में पढ़ रहे होते हैं फिर इन। अबे ये क्या बनाया, अबे ये क्या बना दिया। तो हमारे पायल जोन के यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग सीरीज चलते हैं। एक्सपोजिंग यूट्यूबर्स, वीडियो चोरी, और पायल का सबसे फेवरेट कंटेंट अंतिम संस्कार। चलते फिरते सबको रेस्ट इन पीस कर रही है। और जब यूट्यूबर्स की कमी हो गई तो खुद पे वीडियो बना दिया। माय सिस्टर पायल दीदी लेफ्ट अस, पायल दीदी के अंतिम दर्शन करे। क्या है ये? मेरे को लगता है गाइस इस लड़की के घुटने का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। और मजे की बात तो ये है कि ये सब लेंडी अपलोड करने के बाद इसके चैनल पर स्पॉन्सर्स भी है। आज मैं जाने वाली हूँ कैरी मिनाटी के घर पे। मैं आज कैरी मिनाटी के घर जाने वाली हूँ। खुद तो अपने संडास के बाहर निकली भी नहीं, कोई और बंदा कैरी से मिलने गया, उसका वीडियो लेके लगा दिया, और उस पे इसके पास स्पॉन्सर है। कौन कर रहा है इसको स्पॉन्सर? हार्पिक वाले या वो शार्क टैंक में
में जो आए थे अंतिम संस्कार वाले। So anyway guys, that's it for the video. इससे ज्यादा पायल जोन मैं एक दिन में नहीं देख सकता हूँ और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम में से कोई इससे ज्यादा पायल जोन एक दिन में देखो। अगर तुमको जीवन का आनंद मिला है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाकर फॉलो करो @theRonnie। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे ना एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको जाकर मार दो मगर प्यार से। Hey, I will see you guys next time. I'll do that. This is Ronnie and you just saw The Ronnie Show. Bye bye.